नजर आपके साथ हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश है कोरोना कमबैक। जी हाँ, और शुरुआत हम भोपाल से कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हमें भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें, भोपाल में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। और इन सारी स्थिति की अगर बात की जाए तो शनिवार रात 10 बजे तक, सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़ी खबर। प्रदेश के गृह विभाग ने जारी की लॉकडाउन की घोषणा। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी है, बगैर अनुमति के सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। सीएम शिवराज ने मंत्रालय की बैठक के बाद फैसला ले लिया है। पंजाब में 2490 नए कोरोना के केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 872 नए केस मिले हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2.78 लाख है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 716 नए मामले दिल्ली में देखने को मिले हैं और 24 घंटे में 4 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 393 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त कोरोना ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। राजधानी समेत इंदौर और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल से खबर, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की दर 55.5% पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी कोरोना ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इकतीस मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कोरोना पॉजिटिव होने की दर 5.5% तक जा पहुंची है। बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना को हल्के में नहीं लाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, अमित दुबे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं, अवधेश चंद्रवंशी हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, राजकुमार हमारे, माफ कीजिएगा, राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे अमित के पास चलते हैं। अमित, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले किस तरह से रफ्तार पकड़ रहे हैं, ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना की लगातार चपेट में ग्रसित हो रहे हैं। दिल्ली भी अछूता नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। रिसेंटली बात करें तो 700 से ज्यादा मामले जो है वो 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। इस बात को समझा जा सकता है कि कोरोना का असर जो है वो दिल्ली में खासतौर पर दिखने लगा है। हालांकि अब तक जो है पंजाब, जो कि दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, और ऐसे में पंजाब में लगातार संक्रमण जिस तरह बढ़ रहा था, उसके बाद दिल्ली में काफी एहतियात बरती जा रही थी। लेकिन ये एहतियात सिर्फ सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही है, लोगों की तरफ से एहतियात नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी अगर आप मंडियों में जाएंगे, सब्जी मंडियों की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, लोगों की स्थिति जस की तस है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। हालांकि जो लोग वाहन चलाते हुए मिलेंगे या जो वाहन में सफर कर रहे हैं,
उन लोगों के चेहरे पे मास्क जरूर है, लेकिन उसका डर कोरोना नहीं है, उसका डर है कि अगर उनके पास मास्क नहीं होगा तो उन्हें मेट्रो में सफर नहीं करने दिया जाएगा, सरकारी बसों में सफर नहीं कर सकेंगे, और ऐसे में पुलिस भी उनका चालान कर सकती है। तो डर है तो कानून व्यवस्था का और जो प्रशासनिक नियम है उनका, ना कि लोगों में कोरोना का डर। लोगों में कोरोना का डर पूरी तरह से उठ गया है, हट गया है, और यही बड़ी वजह है कि तमाम मंडियों में, तमाम मार्केटों में लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। पहले तो उनके पास मास्क होगा नहीं, और मास्क होगा भी तो चेहरे पे नहीं दिखेगा। तो जाहिर तौर पे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें भी पता है कि अगर वो पैदल बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनका चालान नहीं होगा, और उन्हें किसी बात का डर नहीं है, और यही वजह है कि लोगों के चेहरे से मास्क नदारत है। तमाम जो संख्या है पेशेंटों की वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पे, चाहे वो हम आनंद विहार आईएसबीटी की बात करें, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की बात करें, जगह जगह मार्केट में वैन के जरिए कैंप लगाए हुए हैं जिनमें किसी को भी वहां पर टेस्ट कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है उसके लिए किसी आवेदन की जरूरत है, किसी और चीज जरूरत है। जो राह चलते लोग हैं, जो लोग डेली रूटीन जाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनका टेस्ट होता है। तो जाहिर तौर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ी है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूरे देश में 10,60,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर अमित आपको रोकना चाहेंगे इस बीच बड़ी खबर, 24 घंटे में 9 जिलों में 99 लोगों को संक्रमित मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 9,000 के पार जा पहुंची है। नए संक्रमित मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम है। खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। राजधानी समेत इंदौर और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल सीधे तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। राजधानी समेत इंदौर और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन। और सीधे गोरखपुर इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं, जहां